Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to talk about is masturbation is good or bad. Well, according to me this is neither good nor bad. What I mean to say is यार ये तो वही बात है कि जैसे कि मान लो टेक एन एग्जांपल खाना खाना इज अच्छा है या बुरा है. ऑफ कोर्स अगर तुम तेरे को भूख लगी है और तू खाना खा रहा है जैसे तेरे को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है, विटामिन से तेरी बॉडी रिपेयर हो रही है, प्रोटीन से बॉडी ग्रोथ हो रही है, फाइबर चाहिए, सो मैनी थिंग्स यार, सो मैनी थिंग्स. तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सो दैट वी कैन लिव आवर लाइफ कम्फर्टेबली और इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट. लेकिन अब क्या हो, तेरे को भूख नहीं लगी है, तेरे पेट भरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद फालतू में तू खाना खा रहा है, क्या होगा? तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, हो सकता है तेरे को वोमिटिंग हो जाए, हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, है ना. तो तेरे को जितना रिक्वायरमेंट है उतना तू खाना खा रहा है, तेरे को जितना लग रहा है कि यार नाउ इट्स फाइन, नाउ आई एम फीलिंग गुड, आई कैन वर्क माय whatever the things I have to do, I will do all this thing without any kind of problem. This is fine. There is no complication in this, right? पहली बात ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में एक गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया गया है कि मास्टरबेशन एक बुरी चीज़ है. मास्टरबेशन इज नॉट that this is all about a biological urge in any human being, whether you are male or female doesn't matter. अब ऐसा तो है नहीं है कि उंगली हाथ जो भी हम सेक्स मास्टरबेट करते हैं सिर्फ लड़कों में ही अर्ज होती है, लड़कियों में होती नहीं है. अगर ऐसा तुम सोचते हो या ऐसा तुम्हें पता है तो तुम यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है. द सेम हैपन विद बॉथ बॉयज एंड गर्ल्स. तो ये चीज़ सबसे पहले तो एक बहुत बार तुम ये सुनते होगे कि मैं मास्टरबेट करके रिग्रेट कर रहा. रिग्रेट ऑफ व्हाट? तेरे को रिग्रेट क्यों हो रहा है? एक बायोलॉजिकल अर्ज था, उस बायोलॉजिकल अर्ज को तुमने क्वेंच कर दिया, उसमें रिग्रेट की क्या बात हो गई? सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो तेरे को रिग्रेट इसलिए हो रहा है कि तेरे को नॉलेज नहीं है, यू आर अनअवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, दैट्स व्हाई यू फकिंग शिट लाइक अरे मेरे को रिग्रेट हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? यार बहुत सारी चीजें हैं इस पर मैं बात करने वाला हूँ. जैसे मास्टरबेशन को, जैसे मैंने बताया, किसी चीज को तुम एक जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम कर रहे हो, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज बैड ना. तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हो, एक दिन में 3-4 बार कर रहे हो, मतलब ये चीज़ बुरी है. एडिक्शन इज बैड. एडिक्शन ऑफ लीकर, एडिक्शन ऑफ सिगरेट, एनी एडिक्शन ऑफ एनीथिंग यू हैव, दैट इज बैड. एडिक्शन पढ़ाई की हो गई है, साला ज़्यादा दिन पढ़ाई ही कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैड. मान लो पढ़े जा रहे हो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट कितना पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, सिर्फ डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हो लेकिन तेरे को जॉब नहीं मिल पा रही, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ द वर्क यू आर गेटिंग, दो यू आर PhD एंड दिस और दैट. एडिक्शन ऑफ स्टडी इज ऑल्सो बैड. वंस अगेन आई एम सेइंग, addiction of anything is bad. Addiction of love is also bad. Overdose of love is क्या हो जाता है एक relationship में? हम बहुत बार, तुम बहुत common तुम सुनते हो यार मेरी बंदी बहुत possessive है, या बंदी बोलते हैं मेरा बंदा यार बहुत possessive है. What? Possessive means what? It means overdose of love. कुछ ज़्यादा ही care हो रहा है वहाँ पे. हम फील कन्फाइंड फील करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं, अपने लगता है इज लाइक केज, आई मीन केज, समबडी इज पैम्परिंग टू मच टू मी. गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे एक मास्टरबेशन में क्या होता है, यूजुअली यही होता है कि एक तुम देखोगे सेम
सेट ऑफ पैटर्न एक बंदा फॉलो कर रहा है, ये बंदी फॉलो कर रही है। मान लो तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू व्हाट, यू डू स्टडी, है ना। या कोई बंदा है यार, उसकी जॉब नहीं लगी है, वो घर पे है और ज़्यादा करने के लिए है नहीं, ज़्यादातर मतलब उसके पास ज़्यादा हार्डली एक दो घंटा में वो दूसरे काम, उसकी हाउस चोर्स जो भी है वो ख़त्म हो जाती है, रिमेनिंग अदर टाइम दे जस्ट कीप देमसेल्फ लीजर एंड दे लाइफ लोनलीनेस एक। या मतलब बेसिकली ही इज़ नॉट बिजी, बिजी नहीं है तो क्या हो रहा है। अब यार बिजी नहीं है तो एक सेम सेट ऑफ पैटर्न घूम फिर के बोरिंग हो रहा है। एक जब तुम मास्टरबेट करते हो तेरे को एक सेंसेशन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तेरे को एक फील गुड वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे बंदों के लिए मास्टरबेशन एडिक्शन होना इज वेरी ईजी, एडिक्ट हो जाते हैं, फील गुड आती है कुछ टाइम के लिए, नाउ आई एम फीलिंग गुड। मान लो जैसे एक बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, आप प्रिपरेशन में क्या होता है, तुम्हें ऐसा लगा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा होगा या कोई भी प्रिपरेशन ही, बेसिकली हम करते हैं जहाँ फाइट होती है, जहाँ बहुत बंदे हैं और चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, है ना, थोड़ी सी है, कॉम्पिटिशन है, दिमाग का दही हो रहा है, जी एस रिवाइज किए जा रहे हैं एक ही चीज़ को, कब उसने अटैक किया, कब वो हुआ, वेदर कंडीशन क्या है, आर्टिकल्स, एक्शन, दिस और दैट, लॉस ऑफ RBC के कितने दिन होते हैं, WBC के कितने होती हैं डेज होते हैं, सो मनी ब्लड प्रेशर, सो मैनी थिंग्स, केमिकल फॉर्मूला याद करो, एटॉमिक नंबर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। तो क्या है यार, ये सब थोड़ी बोरिंग चीज़ें होती हैं, और बोरिंग चीज़ें तब ज़्यादा हो जाती है जब एक बंदा मन से मतलब उसके साथ जबरदस्ती, चलो भैया पढ़ना, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तुम पढ़ाई करो, जबकि उसकी मन नहीं है, तो और भी ये फ्रस्ट्रेटिंग, और उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए मास्टरबेशन एक बहुत अच्छा जरिया है। यू फील गुड आफ्टर डूइंग मास्टरबेशन, देखो एक रिफ्रेशिंग फील होता है। अभी अब क्या है, आज के टाइम पे सबके पास फेस इंटरनेट है, सबके पास है, मतलब थोड़ा सा गलत होगा कहना कि सबके पास, अभी भी बहुत एक ह्यूज पॉपुलेशन है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन अगर मेजॉरिटी देखा जाए स्टूडेंट्स वगैरह के पास जो ठीक है वेल ऑफ हैं, उनके पास इंटरनेट है, इंटरनेट है मतलब फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम होगा, स्नैपचैट होगा, टिंडर होगा, और 50 चीज़ें, व्हाट्सअप है यार, सो मैनी ऐप्स, इवन पिंस, पता नहीं क्या क्या, बेसिकली अगर देखा जाए तो इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, टिंडर, व्हाट्सएप, ये 5 चीज़ें बहुत फेमस हैं। और इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, तुम देखोगे यार इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, मॉडल्स दिख रहे हैं, हॉट बंदी, मतलब कोई नेकेड दिख रही है, कोई एकदम बिल्कुल ऐसे बॉडी दिख रही है, कोई स्कार्स नहीं है, एक यू नो कोई पिंपल्स नहीं है, बॉडी इज लुकिंग लाइक सो रिफ्रेशिंग है, जो कि बिकमिंग एडिक्ट ऑफ दैट बॉडीज। तो यार हम फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, वाव यार सी सो हॉट, लॉन्जरी में इसे एक पैंटी दिख रही है, एक ब्रा दिख रही है, किसी में वो भी नहीं दिख रही है, तो यार अब एक पढ़ाई करने में दिमाग तो लग ही रहा है ना, दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है, और एक ऐसी चीज़ है जिस पे तेरे को कोई स्ट्रेस नहीं डालना पड़ रहा, तेरे को अच्छा फील हो रहा है। यार अब नेकेड बंदी को देखोगे किसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस रिलीज तो होता है ना, हॉर्मोन्स रिलीज है, डोपामिन रिलीज होती है, बोलता है हाँ बेटा और देखो। अब यार हम मैन है और एक फीमेल होगी और हॉट बंदे को देखेगी तो उसको भी टर्न ऑन होगी। अब मैं यार स्ट्रेट हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, लाइक अगर एक नॉन स्ट्रेट बंदा मतलब हेट्रोसेक्सुअल, राइट, कि अगर मैं बंदी या वुमेन पे ही अट्रैक्ट हूँ, है ना। अब मैं यार देख रहा हूँ यार इतनी वाव यार, बूब्स दिख रहे हैं, टिट्स दिख रहे हैं, एस दिख रहे हैं, मतलब सो पंपी, वाव वॉट, आई वॉन्ट टू सक हर बूब्स, यार फैंटेसाइज कर रहे हो, वाव ऐसी बंदी अगर तुम रोड पे निकलो तो नहीं दिखती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट किए होते हैं यार, उनकी बॉडी में एक स्कार्स नहीं दिखते, तेरे को एक मार्क्स नहीं दिखते, एक मोल नहीं दिखते,
Is it possible as far as any normal person is concerned? Not possible. अगर विश्वास नहीं है तो रोड में निकल के देखो, किसी बंदी की पता नहीं यहाँ कट है तो कोई बंदी की यहाँ जली हुई है, पता नहीं क्या क्या है। तो हम उसको देखते एक्साइट होते हैं, उससे हम टर्न ऑन होते हैं और मास्टरबेट करते हैं। अब ऐसी बंदियों की पिक की कोई कमी नहीं है, मतलब तेरी को सुबह से शाम हो जाएगा, 3-4 दिन 100 दिन निकल जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट गेट रीड ऑफ इट। This is something what you need to understand. Overdose हो रहा है तेरे को तू क्या exercise वगैरह नहीं करता, तेरे को एक set of pattern है, तू उसी में ही घूम फिर के और पढ़ाई कर रहा है, तेरे को बोरियत हो रही है, 1-2 घंटे पढ़ा, 3-4 घंटे उसके बाद what next, same पढ़ाई, no, to relief from the study. You see Instagram or this or that, you see video clips and all. Of course, the hormones हमें trigger करते हैं, come on, just do it. Masturbate कर देते हो। तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है कि ये तो वही बात हो गई, तेरे को पेट भरा हुआ है, जबरदस्ती तो उंगली कर करके खाना खा रहा है। खाना खा रहे हैं मतलब यहाँ पे जबरदस्ती तो उंगली करके मास्टरबेट कर रहे हैं, तो इस पे कंट्रोल करना। अब एक दिन में बंदा जो 4 बार कर रहा है, यार ये तो एडिक्टेड है ना, दिस इज नॉट नॉर्मल। एक बार समझ में आता है, 4 बार 3 बार इवन 2 बार, नो दिस इज नॉट नॉर्मल। एक बायोलॉजिकल अर्ज है, मैं इसको फिर से कह रहा हूँ, एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू मस्ट नॉट सप्रेस इट। सप्रेशन इज नॉट राइट, इससे तेरे को नहीं होता है। जैसे कि कोई फास्ट करता है, उस दिन फास्ट भूखा है, फास्ट किया है, दूसरे दिन वो खाने पे ऐसे टूटता है जैसे मतलब कि लाइक कभी खाना ही ना मिला, ये होता है। सेम यहाँ पे भी तुम्हें कि सेक्स का अर्ज है, उसको सप्रेस करो, एक ही बार एक्सप्लोजन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम देखो कि ऐसे बंदे ज़्यादातर जो मास्टरबेट करते हैं उनके पास बंदियाँ नहीं होती हैं, चाहे बंदियाँ नहीं होती मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होती, या गर्ल बंदी है उनके पास बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यार और ऐसा भी होता है कि जो बंदे बहुत बंदे जो शाय होते हैं, मतलब हेजिटेट करते हैं, गर्ल से कैसे बात करो, इवन दे आर नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट विथ एनी गर्ल। अब यार जो बंदा साला आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, वो घंटा उसके पास गर्लफ्रेंड होगी। भाई बहुत इजी अंडरस्टैंड करना, अब एक बंदा साला आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके पास क्या घंटा बंदी होगी? अब बंदी नहीं है लेकिन बॉडी में बायोलॉजिकल अर्ज तो है ना, अराउज हो रहे हो, बंदी देख रहे हो, या मॉल जा रहे हो, मॉल देख जा रहे हो, देख रहे हो कि एक बंदे से चिपक चिपक के चल रही है, कोई किस कर रहा है कहीं, एकदम बिल्कुल क्लोज इंटीमेट खड़े हैं, तेरे को ट्रिगर हो रहा है, यार मेरे साथ क्यों नहीं है, उस मेरे को भी ऐसा चाहिए। तेरे को वो बायोलॉजिकल अर्ज हो रहा है, कोई तुम देख रहे हो यार वीडियो में देख रहे हो, कोई बंदा एक बंदी को बैंग बैंग कर रहा है। अब यार एज के साथ ये चीज़ तो होगी ना यार। अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अगर तेरे को सेक्स की अलाउज नहीं हो रही है, इवन यू आर लाइक 20-25 या 15 साल के भी हो, और 15 साल इज सफिशियंट टू गेट अराउज, नहीं हो रही तो दिक्कत है। इट्स लाइक तेरे को भूख ही नहीं लग रही है, तब तो डॉक्टर पास जाएगा ना, भूख लग रही है अच्छा है, ओवरडोज कर रही तो तेरी प्रॉब्लम है, ये एडिक्शन है, लेकिन तेरे को सेक्सुअल अराउज ही नहीं हो रहा तो ये दिक्कत है। इसमें दिस इज अ डिजीज, दिस इज समथिंग मोर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मैन, ये तेरे को समझना जरूरी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तेरे को सेक्सुअल अराउज नहीं हो रहा तो एक बीमारी है, दिस इज यू नीड टू कंसल्ट टू एनी डॉक्टर। और
चलो अब नहीं है तो यार अब सेक्सुअल अराउज भी हो रहा है, हॉर्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं यार, थोड़ा प्लीज मिलता है. ऑफ कोर्स यू फील प्लीज आफ्टर, यू फील कंटेंट आफ्टर दिस. बंदा है जो कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, उसको बंदी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या करेगा वो? अपनी जो बायोलॉजिकल अर्ज है उसको क्वेंच कैसे करेगा, उसको कैसे सप्रेस करेगा? उसको सप्रेस मतलब उसको कैसे एक प्यास लगे उसको कैसे बुझाएगा? क्वेंच मतलब बुझाना, राइट? कैसे करोगे? अब ये इधर अब बंदी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या करो? या तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, वहाँ पे एड्स वेड्स होने का खतरा है, और पता नहीं किसी ने देख लिया, अरे तो यहाँ पे व्हाट, वो भी अगर वहाँ पे भी पैसे लगते हैं, पैसे भी नहीं है, स्टूडेंट हो, क्या करोगे? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट दैट मास्टरबेटेड. तो मास्टरबेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज समझना जरूरी है. अब जैसे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या घर में हो, जॉब से फायर्ड हो गए हो, या कुछ भी रीज़न है जो माई लाइफ बोरिंग है, एक ही सेट ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है, अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, इज डू नॉट डिपेंड ऑन मास्टरबेशन. डिपेंडिंग ऑन मास्टरबेशन इज बैड थिंग. पता क्या है, एक तुम बात बताऊँ, जैसे मास्टरबेशन ज़्यादा करोगे ना, जब तुम एक्चुअली सेक्स करने जाओगे ना, तो तुम्हारी जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होती है प्रॉपरली, तुम बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाते हो. बेसिकली यू विल नॉट गोइंग टू इन्जॉय सेक्स एज लाइक तुम एक बंदा 10 मिनट में इजैकुलेट कर रहा हो और तुम 2 मिनट में ही कर रहे हो. तो मान लो आफ्टर मैरिज तुम जब सेक्स करोगे बच्चे के लिए, तो वहाँ पे तुम 2 मिनट में ही तुम्हारी इजैकुलेशन हो जा रही है. तो तुम्हारी तुम हाउ डू यू थिंक यू कैन गोइंग टू सेटिस्फाई योर वाइफ? Sex is a very important part of any person's life. और proper sex नहीं होता है तो तुम अपने society में ये चीज़ experience करते ही होगे या किए ही होगे कि that बहुत सारे relation divorce तक चले जाते हैं just because of sex. या extra marital affair क्या है? Usually 95-98% में तुम देखोगे कि एक बंदी या एक बंदा अपनी पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है, सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पा रहा है उसे. सो टू क्वेंच द थ्रस्ट ऑफ सेक्स दे गो टू समबडी हु कैन बी एबल टू, गॉट इट ना यार? एक बंदा उस सेक्स की अर्ज को फुलफिल कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, उस बंदा से वो बंदी हैप्पी है, या उस बंदी से उस बंदा हैप्पी है, और तुम जस्ट बिकॉज तुम्हें अब तुमने इतनी बार यू नो मास्टरबेट कर लिया कि तुम्हारी जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, डिसफंक्शनल हो गई है, मतलब जितनी तुम 2 मिनट 1 मिनट में ही इजैकुलेट कर जा रहे हो, तो यार 1 मिनट में आराम से एक सब कोई बंदी सेटिस्फाई होने वाली है, क्या होगा? अब बंदी को सेटिस्फैक्शन चाहिए मतलब एक सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट है, तेरे को प्यास लगी है बहुत तेज़, और मैं थोड़ा सा पानी, तो तेरी प्यास थर्स्ट यू थिंक यू कैन बी एबल टू क्वेंच बाय जस्ट ड्रिंकिंग दिस मच ऑफ वाटर? तो यार इसको भी एक लिमिट में ही करना सही है, इससे हमारे पेनिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इवन हेयर लॉस भी हो जाते हैं थोड़े, यू नो मेमोरी पे भी फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी थोड़ी वीकनेस जो मेमोरी है थोड़ी वीक होती है ज़्यादा करने पे. वंस अगेन लिसन मी केयरफुली, ज़्यादा करने पे, अगर एक वीक में एक बार कर दो, 2 बार कर दो, इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस. एक दिन में 4-5 प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम.
तो यार एक इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि तुम्हारी लाइफ बिजी होनी चाहिए। बिजी होनी चाहिए मतलब ठीक है, प्रिपरेशन करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे से पढ़ाई में ही इंगेज रखो, एक्सरसाइज करो, घर के काम करो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, एक्स्ट्रा करिकुलम करो यार अपने आप को। व्हाई यू आर गोइंग टू कन्फाइन योरसेल्फ बस जस्ट बाय मास्टरबेट एंड स्टडी, देयर सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस। किसे म्यूजिक ज्वाइन कर सकते हो यार, डांस सीख सकते हो अलोंग विद योर प्रिपरेशन, व्हाई नॉट। इफ लाइक सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एज वेल, like singing or dancing, if you're not, you can just go and play cricket or football, or just yeah, if you have two-wheeler four-wheeler just एक ऐसे ही ride लेके आओ। इतने सारे काम होते हैं यार दिन में, gardening कर सकते हो, हजार चीजें होती हैं। What I mean to say is कि सिर्फ masturbate पे depend मत हो, और एक और चीज़ अगर possible है ना तो ग्रुपिंग में देखो, अकेले मत देखो। अकेले देखने में क्या हो जाता है, हम जर्क ऑफ करने लग जाते हैं देखने। और यार एक चीज़ और है, तुम सीख सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ देखने में बुराई है। पॉर्न देखो, देखो यार कौन सा सेक्स पोजीशन है, कॉगल है, मिशनरी है, जी वेट्स है, एक फ्लैक्ट्रीन होता है, और क्या होता है, एक बहुत सारी 69 है, बहुत सारे ये होते हैं यार, सेक्स पोजीशन देख सकते हो यार, किस सेक्स पोजीशन में बंदी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है, किस सेक्स पोजीशन में बंदी उतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती है। जब तुम एक्चुअली सेक्स के लिए जाओगे तो उस चीज़ को तुम अपने माइंड में रखोगे, या दिस कुड बी द राइट पोजीशन फॉर एनी फॉर माई गर्लफ्रेंड और फॉर टू हुम आई एम गोइंग टू सेक्स विथ, टू माई वाइफ। तो ये सब चीज़ यार, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ तुम सीख रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है यार, इट्स गुड। या एक बार देखो कैसे यार, कैसे होल्ड करते हैं लड़की को, अब पहली बार जा रहे हो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो भी ख़राब है, बिल्कुल ही तेरे को आइडिया नहीं कि कैसे अपने पेनिस को वेजाइना में डालते हैं, तुम्हें टॉर्च लेके ढूंढ रहे हो। तो सिंपली यही है यार, एडिक्ट मत बनो और अपनी लाइफ को कन्फाइन मत करो यार, डिपेंडेंट मत हो जाओ। एडिक्शन में बुराई है, ऐसे करने में कोई बुराई नहीं। एक वीक में एक बार दो बार करो, और मान लो एक वीक में एक बार तुम्हें मन नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि अरे हाँ तुमने बोला था एक वीक में दो बार करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तेरे को रिक्वायरमेंट फील हो रहा है तो करो, हो सकता है तेरे को एक मंथ में एक बार भी करने का मन ना करे, या हो सकता है एक तेरी लाइफ सडनली मान लो तेरी जॉब लग गई फिर तेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो तू क्यों कैसे करेगा, तेरे को रिक्वायरमेंट ही फिल नहीं हो रही है। मान लो तू प्राइवेट सेक्टर में है, चले यार फालतू में प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब में मेरे को मन नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब ही करूँगा, उससे ही अर्न करूँगा और मैं अपना अच्छा एक करियर बनाऊँगा। गवर्नमेंट जॉब फालतू, दिस इज समथिंग व्हाई डोंट वांट, आई एम जस्ट रनिंग माय लाइफ, आई जस्ट वांट टू गेट आउट from this as soon as possible। ठीक है तुमने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे इतने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तेरे को असाइनमेंट मिल रहे हैं, तेरे को प्रोजेक्ट पे काम करना, एक मंथ तेरे पास टारगेट है, उस समय तेरे को लगता है कि तेरे को और भी इतना तो थका होगा आएगा, तेरे को अच्छी नींद आएगी, ऊपर सुबह सुबह उठेगा सेम बैक टू ऑफिस एंड जस्ट कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट, देन ओनली यू विल गेट द मनी एज वेल। तो एक सेम सेट ऑफ पैटर्न हो जाता है, जब लाइफ बोरिंग हो जाती है ना तो ज़्यादातर हम थोड़ा सा ज़्यादा मूव ऑन करने लग जाते हैं इस टुवर्ड्स मास्टरबेशन। ये एक रियलिटी है, एक प्रूवन फैक्ट है, तुम एक देखोगे तुम यार ऐसे पॉर्न देखते हो ना तो देखो विद द इंटेंशन दैट कि यहाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, विच सेक्स पोजिशन इज़ गुड, विच सेक्स पोजिशन इज़ नॉट गुड फॉर एनी पर्सन और एनी गर्ल इज़ कंसर्न। कोशिश करो कि जर्क ऑफ ना करें, अगर पॉसिबल है उतना आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो तो। तो आप पहली बात ये बिल्कुल भी ये मतलब अरे रिग्रेट फिगरेट और यार कि बहुत यार द सेम विद द गर्ल्स एज वेल, मैं पहले तो ये भी क्लियर कर दूँ कि रिग्रेट फिगरेट कोई बीमारी है
या करना गलत है या नहीं है, बकवास। जो भी मैंने बोला है वो प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में बोला है। ये एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर तुम जैसे ठीक है तेरे को कोशिश करो कि जर्क ऑफ ना करे, लेकिन या मन कर रहा है या लाइक तेरे को मन कर रहा है आज करने का, ठीक है, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दिस। अब मान लो एक बंदी से तुम किसी तरह एक बंदी तेरे से पड़ गए, तेरे को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके साथ लाइक बस तेरे को सेक्स बैंग ऑन करना है, ठीक है, और तो उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखता, तो जस्ट यूज करने वाला है, इससे तो कहीं बेटर है कि मैं बोलूँगा तू मास्टरबेट कर यार, किसी की लाइफ क्यों बर्बाद करना। बर्बाद करना मतलब मान लो बंदी तेरे को ऐसा तेरे को बारे में नहीं जानते ना कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तू सोच रहा है उसको यूज़ कर देगा बस छोड़ देगा यार। जब वेन यू इंटरकोर्स ना, तो इमोशनली उससे लिंकअप करता अपने आप को, क्योंकि तू शायद अगर तू किया होगा तो तू इस बात को समझ रहा होगा। जब तुम इंटरकोर्स करते हो ना, तो यू बिकम मोर सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स एनी पर्सन, यू बिकम मोर सेंटिमेंटल, यू एसोसिएट योर सेल्फ विद दैट पर्सन। इसलिए तुम देखते हो जब तक इंटरकोर्स नहीं होता है तो ब्रेकअप हो जाए तो सब हाँ इंसान थोड़ा सा उतना नहीं होता, लेकिन आफ्टर इंटरकोर्स और आफ्टर सेक्सुअल फिजिकल हो जाने के बाद थोड़ा इंसान इमोशनल हो जाता है और उसके साथ ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है। या यूजुअली तुमने सुना होगा बंदियाँ बोलते तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, उनका कहने का मतलब है तुमने मेरे साथ मजे ले लिए, मेरे साथ उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी लेकिन तुमने मुझे डिच किया है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिक्टेड नहीं होना है, अपने रूटीन को चेंज करो, एक्सरसाइज वगैरह में, एक्स्ट्रा करिकुलम, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। पढ़ाई तो ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब में अपनी टाइम वेस्ट हो रहा है तो अपने आप को बिजी रख। बिजी रख मतलब ये नहीं है कि रोड पे जाके घूमना है, रोड पे फालतू में घूम रहे हो बिजी है बिजी, नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ नॉट राइट। इससे बेहतर है कि घर में रहो, फालतू में घूमना नहीं है। एक जो ग्रुपिंग बना के तुम लोग जैसा बकवास करते रहते हो, दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, वो भी गलत चीज़ों में, फालतू चीज़ों में ही बात करते हो। अबे यार मैं भी बंदा हूँ, मुझे भी पता है लड़कियों के बारे में, बैंटी ब्रा, अरे देख उसके बूब्स, उसके टेट्स, एस, यही सब बात करोगे जनरली। It's not right to generalize it, but most of the time it happens with the boys. I'm myself a boy. I know what happens, what sorts of discussion we do. So, yahi hai aur yaar don't take the overdose of anything, whether it is masturbation or anything. जिम जा रहे हो साला, एक दिन में अपने आप बॉडी को बिल्कुल इतनी लथार्जिकली तुमने एक्सरसाइज किया, दूसरे दिन तुम एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हो, यू सो 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 एग्जॉस्टेड, यू टू फील योर बॉडी इज जस्ट क्रेविंग फॉर द एनर्जी, यू आर जस्ट फक्ड अप योर बॉडी, नो, इंस्टेड आधा घंटा ही कर दो और डेली कर दो, दैट इज मच मोर बेटर। पहली बात, एक अपने रूटीन को चेंज करो, सेम रूटीन जो पैटर्न बोरिंग डल डैवरिश रूटीन है उसको चेंज करो, नहीं तो सेम वही तुम मास्टरबेशन के बारे में सोचोगे। वंस अगेन आई एम सेइंग मास्टरबेशन इज़ नॉट बैड, बट वी डोंट बिकम एडिक्ट ऑफ इट, राइट। अपने आप को मोर चीज़ों में इंगेज करो, ठीक है, और सेक्सुअल प्लेजर मन कर रहा है, यू आर लाइक, अब जबरदस्ती उंगली करके नहीं, टर्न ऑन हो जा रहे हो, टर्न ऑन अपने आप को कर दो, जानबूझ के उंगली कर करके इंस्टाग्राम पे बंदी हॉट पिक विदाउट पैंटी नेकेड ये देख रहे हो, जबरदस्ती यूट्यूब पे हॉट बूब्स प्रेसिंग वीडियोस, और लाइक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हॉट मिशनरी बैंगिंग दिस और दैट, जबरदस्ती नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल लग रहा है एकदम यार मन कर रहा है तो आई वॉन्ट टू बी जस्ट
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहे, करके तुम्हें रिलीफ मिल रहा है। अब इसमें भी एडिक्ट नहीं हो जाने, जब भी तुम स्ट्रेस आउट करो तो मास्टरबेट करने लग जाओ। नो, मास्टरबेट, डोंट टेक मास्टरबेशन एज अ ऑल्टरनेटिव टू गिव स्ट्रेस आउट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। बहुत सारे तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करो, डिस्कशन या उसको बारे में सोचो कैसे मैं इसे लाइक कैसे इसको ओवरकम कर सकता हूँ। और मास्टरबेटिंग करने से क्या होगा? हाँ, एक बायोलॉजिकल अर्ज आ रही है, तेरी एज हो चुकी है। अब मान लो 30 साल के बंदे हो यार, अब 30 साल के बंदे में तुम्हें तो सेक्सुअल अर्ज आ रही है तो क्या बुराई है? वही है, अब 30 साल के हो गए हो तो मान लो अब तुम ये करो, मैरिज कर लो, फिर एक तेरे को लीगल तेरे को अथॉरिटी मिल जाए, यू कैन बैंग ऑन विथ योर वाइफ, व्हाई नॉट। अब ठीक है, तुम मैरिज नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, तुम प्रोस्टिट्यूट में भी जा सकते, लेकिन वहाँ पे बहुत केयरफुल होना होता है, लाइक कहीं यू नो एड्स वेड्स का भी खतरे होते हैं, पता ही है। अगर तुम उस रिस्क को भी नहीं लेना चाहते हो तो मास्टरबेट करके अपनी रिलैक्स फील कर, ठीक है, डोंट बिकम एडिक्ट ऑफ इट। सिंपली एक बायोलॉजिकल अर्ज होता है यार, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम बोलोगे कि मैं एडिक्ट हो गया, एडिक्ट से कैसे? एक तेरे को एडिक्शन से हटना है तो एक देखो, कोई भी हैबिट को दूसरे हैबिट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये मत सोचो कि अब तुम ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दैट थिंग। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तेरे को ठीक है, मान लो जैसे तू 2-3 घंटे पढ़ाई करता है, उसके बाद थक जाता है, तो माइंड थक जाती है, फिर तेरे को लगता है यार थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ, थोड़ा सा मास्टरबेट कर रिलैक्स। इंस्टेड तो कोई और तो थोड़े उस समय एक्सरसाइज करने लग जाए, या खाना खाने लग जाए, या टीवी देख ले, या कोई बच्चा है तेरे घर में तो उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दे। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब पॉन देख भी ना तो ग्रुपिंग में देखा कर, जिससे एटलीस्ट वहाँ पे ही तू अगर तो बेड में अकेला देख रहा है उसी समय तो जर्क ऑफ करने लग जाता है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल भी ज़रूरी है। अब ऑफ कोर्स यू नीड कंट्रोल। अब जैसे रोड से निकलता है, इतनी हॉट बंदियाँ देखता है, इतनी बूब्स देखता है, सबको क्या तू जाके दबाने लग जाता है, कंट्रोल होता है ना वहाँ पे, तो तेरे को भी अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। अब तू सभी इतने हॉट बंदियाँ देखा यार, यार वो बंदी मेरे साथ क्यों नहीं है, वो बंदी मेरे साथ क्यों नहीं है, मैं उसके साथ से। अबे यार अभी 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 राइट नाउ ही कितनी बंदियाँ फक्ड अप हो रही होंगी, कितनी बंदियाँ बैंग बैंग हो रहा। तेरे को पता है कितनी बंदियाँ अभी फक सेक्स हो रहा होगा उनके साथ, कितने बंदे इंजॉय कर रहे होंगे। अब सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ ओनली। ठीक है, उसकी लाइफ है, उसको ही हैज़ समवन टू बैंग ऑन, ही इज़ डूइंग और सी इज़ इंजॉइंग। अरे नहीं वो करना है, अरे वो मैं उसको देखा था, वो कैसे दूसरे के साथ चिपक सकती है, वो अब इतनी करोड़ मिलियंस बिलियंस ऑफ लड़कियां तो सब पे कंट्रोल कर क्यों करेगा बे, कौन है तू? तो ये सब चीज़ों से निकलो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट गाइस, व्हेन यू नॉट यू डिडंट गेट इट, यू आर द मोरन पर्सन ऑन दिस अर्थ, कम आउट फ्रॉम दिस, हैव अ ग्रेट डे, take yourself and just understand करो यार, एक part of life है, इसको अपना main stream मत बनाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में अचीव करने के लिए। यू आर ए billionaire क्या है कि तेरे को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को कोई चीज़ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, कि तू इसी में ही अटका हुआ है। कम आउट फ्रॉम दिस, सोचो यार, थोड़ा बड़ा करो, तेरे को हाउ मेनी पीपल नो अबाउट यू, नोबडी नोज अबाउट यू, मेक something, make something for yourself so that at least somebody know you. Yeah, he is something, he is like very brilliant person, or he is very good manner people, he know lots of things, he is a guy with full of intelligence. This ultimately yaar wo hardly tere ko to masturbate kitne yaar, hardly 5 minute lagte hain। 5 मिनट की सेटिस्फैक्शन के लिए वाई यू फकिंग योर ऑन लाइफ।
Why you are ruining your own life? Getting my point. Have a great day, guys. Have a great day.